अयोध्या जनपद क्षेत्र के थाना तारुण के रामपुर भगन में नाबालिग बालिका के साथ रेप की घटना करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण ने कहा है कि घटना 7 दिसंबर की शाम की घटना तारुण के रामपुर भगन गांव की है। वहीं गांव के रहने वाली एक किशोरी ने आरोप लगाया है कि उसी गांव के रहने वाले पवन कुमार उर्फ गुड्डू ने उसे घर में अकेली पाकर दुष्कर्म किया और भाग निकला। वहीं पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। थाना तारुण में एक घटना हुई थी। गांव है रामपुर भगन, वहां पर शिकायतकर्ता ने ये लिखित सूचना दी थी कि उसकी लड़की के साथ अभियुक्त द्वारा, अभियुक्त का नाम पवन कुमार है जो रामपुर भगन का ही रहने वाला है, उसके द्वारा उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। और इस सूचना पर तत्काल FIR लॉज की गई और मौके पर पुलिस टीम जा करके और तत्काल वहां मौके से उसकी जांच पड़ताल करके और आज जो अभियुक्त है उसमें जो नामजद पवन कुमार उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पीड़िता है उसकी डॉक्टरी भी कराई जा रही है, उसमें कुछ हो चुकी है, बाकी डॉक्टरी आगे चल रही है। और मुलजिम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और लिखा पढ़ी करके इनको चालान किया जा रहा है और आगे जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो भी प्रचलित है। और इस प्रकार से इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही जो इसमें महत्वपूर्ण कार्य था वो हो चुका है और शीघ्र ही जो अन्य शेष औपचारिक कार्यवाही है उसको पूरा करते हुए और इसमें चार्जशीट न्यायालय में फाइल की जाए। ये धारा है 376 और 504, 506 और 3/4 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में इनको चालान किया जा रहा है। क्या पहले भी इसके ऊपर आपराधिक इतिहास की कोई सूचना नहीं है? अभी तक जो जानकारी की गई है उसमें कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं है।